गुड मॉर्निंग ग्लोबल लिसनर्स, हमने जॉब राइट और सोलो राइट की बात की थी। एशियन कंट्रीज सार्क बार बार सम्मेलन जो करने की बात करते हैं, कभी यूएनओ कभी आसियान, ढेर सारे संगठनों ने नाम निकाल रखे हैं और नेता खूब कसरत करते हैं, या तो नासमझी दिखा रहे हैं या जानबूझकर नासमझ बने हुए हैं। जॉब राइट को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI मार्क्सिज्म जैसी पार्टी से कहूँगा कि सड़कों पर चिल्लाते रहे लोगों के साथ, सबको शिक्षा सबको काम, और भारत जैसे देश में इंदिरा गांधी की सरकार भी उनके सहारे से चली, परंतु जॉब राइट की बात नहीं लेकर आ पाई। गाल बजाने से किसी का पेट नहीं भरता, पेट भोजन करने से भरता है। लोग देश के विकास की बात करते हैं, मानव जाति के विकास की बात करते हैं, कुपोषण को दूर करने की बात करते हैं। इन सब का एक समाधान है कि लोगों को काम के बदले दाम दिया जाए, काम के बदले उतना दाम दिया जाए जितनी उस देश की अर्थव्यवस्था वहन करती करने की स्थिति में हो, नौ के बदले नौ सोना दिए जाए। भारत में 10 करोड़ शिक्षित युवा, मैं दूसरे देशों की बात में करूँगा, मारामारी जर्मनी जैसे देशों भी है, इटली जैसे देशों भी है, बेकारी से छुटा कोई नहीं है। बेकारी शासन की गलत नीतियों चलती आती है, शासन जब कॉरपोरेट की गोदी में बैठ जाता है कि लोगों को मजबूर करूँगा, नौ में नहीं दो में काम लूँगा, ये सारा झगड़ा दो नौ और नौ सौ का है। राजा चाहता है रिश्तेदारों को काम पर लगाऊं और नौ के बदले नौ सौ दूँ, इसी का नाम भ्रष्टाचार, हेराफेरी और ढेर सारे मुकदमों की कतार है। नियम उलट पुलट करना, भ्रष्ट ढंग से परीक्षाएं आयोजित करना, अपनों को अलग अलग माध्यमों से उत्तर बता देना प्रश्न का पहले ही, व्यवस्था खोखली करने सिवाय कुछ नहीं है। लोगों का मनोबल जमीन पर जा गिरता है, हौसला जमीन पर जा गिरता है, इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं है। बेबसी से सहन करते हैं। CJ रमन कल रिटायर हो गए, मैं उनसे भी कहूँगा कि इस बुढ़ापे के दिनों में इस बात को आगे बढ़ाएं कि लोगों को काम मिले और काम के बदले ठीक दाम मिले। हम नौ को नौ सौ देने पक्ष में नहीं हैं और नौ के बदले दो देने पक्ष में नहीं हैं। दुखी हो रहा है, असंगठित क्षेत्र में काम करवा कर कॉरपोरेट नौ के दो देना चाहता है और सरकार अपनों को नियोजित करके नौ के नौ सौ देना चाहता है। यही असंगता, अराजकता और लोगों में जहाँ राष्ट्रवाद की चर्चा होनी चाहिए थी, इस बेत के ढंग को लेकर दिन भर रोना रोने के सिवाय कुछ नहीं। जनता के पास संगठित होने का नाम नहीं, उनके बीच की सिपाही लोगों को इधर उधर करते रहते हैं, दिमागी सफाई करते रहते हैं। मैंने पहले कहा कि 10 करोड़ शिक्षित भारतीयों से, पहले कहूँगा कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल बने और भारत देश को महान बनाने में अपना हाथ आगे बढ़ाएं। बढ़ाएंगे जब वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता और गरीबी जैसे कार्यक्रमों में वो नीचे उतरकर काम करेंगे तो भारत का सेवा क्षेत्र सबसे मजबूत होना चाहिए था, जबकि लड़खड़ा रहा। मैं सेवा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, कहाँ से आ गया प्रदूषण, पेड़ों की भरमार होनी चाहिए थी, सस्ते श्रमिक हैं यहाँ काम करने के लिए। तो आज मैं ये कहूँगा
कि जॉब राइट और सोलर राइट दोनों के लिए भारत रोल मॉडल बने। हमारे देश का एक भी नेता ऐसा नहीं जो कहीं मैं देश का भला नहीं चाहता। सभी कहते भारत को एक नंबर बनाना चाहता हूं मैं सबसे बड़ा पुलर हूं इस देश को आगे ले जाने के लिए। एक से एक होड़ लगी हुई है अलग अलग दलों में। मैं उन सभी भाइयों से सजा प्रार्थना करूँगा कि प्लीज़ 9 को 9 दो देने का आधार रखें। 9900 का सभी को पेट भरने के लिए सेवा क्षेत्र में नियोजित करें और बहुत यहाँ का बाज़ार कराई सस्ती दर पर आदि उपलब्ध हैं खुशी के साथ उपलब्ध उनको नियोजित करें और सेवा क्षेत्र को चांद लगाएं। सर्विस सेक्टर शुड बी स्प्लेंडिड। मेरा यही हेडलाइन है और मेरी विनम्र प्रार्थना भी है कि इस अभियान में सभी साझा रूप से लग जाएं। धन्यवाद।